Hello people, this is Sonal Varma from Psychic Astro bringing you your forecast for the second week of October 2016. यानी हम आए हैं आपके लिए बताने के लिए, आप सभी कन्या लोगों को बताने के लिए, वर्गोज को बताने के लिए कि how is the second week of October, कैसी रहेगी आप लोगों के लिए अक्टूबर का दूसरा हफ्ता, क्या करने वाले हैं आप, आपके साथ क्या होने वाला है, हम हैं ना आपको बताने के लिए तो बता रहे हैं. सबसे पहले तो आपको बता दें कि योर लव लाइफ इज गोइंग टू सफर फ्रॉम somebody's इंटरफेरेंस. नाउ हू दिस somebody's, इट्स अ पर्सन अबाउट 40 इयर्स ऑफ age, somebody who's not just a person, a man above 40 years of age, and who's extremely interfering, extremely aggressive, extremely dominating. I would say this person is not going to be happy for you and is going to make you miserable as well. So your love life is going to be much influenced by this person and not influenced in a good way. It seems to me as though ki aap jo hai is hafte mein aapki jo prem sambandh hai wo kisi aise vyakti ke aane se kafi zyada prabhavit ho jayenge jo ki 40 varsh se upar ka purush hai, bahut एग्रेसिव है, एग्रेसिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा दबाव रखने वाला इंसान है. तो ये बंदा जो है कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को अफेक्ट करेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए. आपके योर वर्क लाइफ इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ in a tumble. Why? Because you seem to have taken certain initiatives, you seem to have projected certain things which have now to come back to you but which are not bringing you some very positive replies. Aisa lagta hai ki jaise aapne kafi cheeze shuruaat kari thi jinki, ya jinhe propose kiya tha, jinke liye pehel kari thi, par wo ab tak jo aapke liye positive tarike se aapko dikhni chahiye thi wo kahin se aapko reply acha nahi de rahi hain, aapko positive hello ya positive reply nahi mil pa raha hai, to ye aapko दिक्कत देगी. इस बात से आपको परेशान होना चाहिए, नहीं भी आप परेशान. योर होम लाइफ इज प्रिटी गुड, सीम्स टू मी एज दो देयर विल बी पीपल कमिंग, गेस्ट विल बी कमिंग टू योर लाइफ, यू विल बी हैप्पी बिकॉज ऑफ सम पर्सन हु इज बिलो 22 इयर्स ऑफ एज एंड इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस इन द हाउस, कुड बी यू नो गुड न्यूज ऑफ सम काइंड कमिंग योर वे. ऐसा लगता है कि घर के मामले में आप कहीं ना कहीं से खुशी दिखाएंगे, खुशी होगी भी. कोई व्यक्ति जो कि 22 वर्ष से कम का है उसकी वजह से खुशी हो सकती है, सम न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, गेस्ट्स आ सकते हैं आपके घर में, तो इस वजह से आप लोगों के घर में चहल पहल और खुशी बनी रहेगी. आपके हेल्थ लाइफ इज ऑल्सो सीम टू बी परफेक्टली ऑल राइट. देर मे बी सम काइंड ऑफ यू नो इनिशियल स्टेजेस ऑफ सम काइंड ऑफ फ्लू और समथिंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, मे बी अ डे और सो, इस ज़्यादा नहीं होगा. आप कह सकते हैं जैसे शुरुआती फ्लू हो सकता है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके स्वास्थ्य के जीवन में. सबसे अच्छे नंबर आपके रहने वाला है नंबर 11. सबसे अच्छा रंग है आपके लिए फ्लेमिंग ऑरेंज, और हम आपको आपके भाग्य स्कोर में इस समय पर दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको दे सकते हैं हम 4.5 out of 10. और साथ ही साथ भाई आपको वी कैन गिव यू अ स्मॉल मैजिक मंत्रा विच विल टेल यू हाउ टू डील विद लाइफ. व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड इज कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो असफल हो जाने को पराजय मान लेने की गलती नहीं करता. द मैन इज़ अ रियल मैन ओनली इफ यू डोंट कंसिडर बींग unsuccessful once, you don't think of it as being defeated. You need to understand that being unsuccessful in something doesn't mean being defeated. You can always get up and fight again. This is something which you need to understand. Ab hum aapse milenge agle hafte, tab tak ke liye hame vida dijiyega. Namaskar.